अफगानिस्तान को हराना है, अभी कोविड में भी बहुत ताकत लगा, इसकी जरूरत थी, लेकिन एक बीमारी है जिसके बारे में लोगों को अवेयर नहीं है और उसे सबसे ज्यादा मौत होता है इस देश में, हेपेटाइटिस। पहला कारण हेपेटाइटिस का है हमारे जो वाटर सप्लाई है गांव में शहर में जो सरकारी टैंक से आता है वो जहां तहां लीक करता है, सीवरेज से उसका कनेक्शन रहता है, उसे हेपेटाइटिस होता है पानी के थ्रू। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वो ब्लड से ट्रांसफर ऑपरेशन के समय होता है, हेपेटाइटिस सी भी उसी तरह से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस किडनी फेलियर के पेशेंट में डायलिसिस के क्रम में बहुत होता है। हेपेटाइटिस बी और ए बी सी के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, लीवर के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वैभव राज, आपको बताएंगे। आज वन हेपेटाइटिस डे, मैं ये कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो आजकल लोगों को उतने के बारे में नहीं पता है। इसमें जो कॉमनली कारण होते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस, जैसा कि सर ने बताया हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस सी होता है जो गंदगी से होता है, गंदा पानी पीने से या गंदा खाना पीने से। इतने मेंबर हैं भुवन के, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहुत से काम करते। सबसे बड़ा बात है कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा इलाज होता है प्रिवेंशन, तब कुछ ऐसा इलाज हुआ जो छोटे दवा से ठीक हो जाता है। ऑपरेशन तो सबसे अंत का चीज है, तो जानना बहुत जरूरी है। बेस्ट मेडिसिन इज प्रिवेंशन। हम लोग इसमें कंपेन कर रहे हैं, हेपेटाइटिस नहीं हो, क्यों होता नहीं हो इसका अवेयरनेस है। तो अपना पानी जो पीते हैं वो साफ सुथरा रखें, कहीं भी आप जाएं तो वो समझने की कहां से पानी आया है, वो पहला चीज है। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ए होता है, हालांकि हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस करता है धीरे धीरे। इसका लक्षण ये है कि आपको भूख लगना कम हो जाएगा, कमजोरी होगा, पेट में जलन होगा, पेट में दर्द होगा, इससे आगे बढ़ता है तब पीली होता है, जिसमें आपके शरीर का चमड़े पीला हो जाएंगे, आँख का उजला जो है उसमें पीलापन हो जाएगा, पेशाब पीला होगा। ऐसा अगर हो तो इसको इग्नोर नहीं करें, आप तुरंत जाएं डॉक्टर के यहाँ, आप जांच कराएं और अर्ली ट्रीटमेंट होने से रिट्रीट होता है। तो हेपेटाइटिस ए बहुत सा 80% है जो धीरे धीरे क्योर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी में दो तरह का होता है, एक होता है जो प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे वो किडनी फेलियर हो जाता है और उसको सिरोसिस कहते हैं, लिवर फेलियर। और एक होता है जिसमें हेपेटाइटिस बी आपके अंदर में है, आपका लीवर नहीं प्रोग्रेसिवली खराब होगा लेकिन आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और वो ब्लड के थ्रू होता है, आपका ब्लड दूसरे के ब्लड को भी बॉडी फ्लूइड से कॉन्टैक्ट हुआ तो उससे हो सकता है। हेपेटाइटिस सी भी उसी तरह से होता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज आजकल पहले से बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उसमें भी हर कोई ठीक नहीं होता है। रूबन हॉस्पिटल में हम लोग शुरू किए हैं हेप्टोबिलरी पैनक्रियाटिक यूनिट, जिसमें लीवर का डॉक्टर वैभव राज, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर अवनीश मिलके जितना भी लीवर का डिजीज़ है उसका हम लोग इलाज करेंगे। हम लोग अब 2-3 महीने में अक्टूबर से लीवर ट्रांसप्लांट भी पहला बार बिहार में शुरू कर रहे हैं, जिसको दुर्भाग्य से सिरोसिस हो गया। यंग आदमी है, ब्रेड अर्नर है, एक्टिव आदमी है, एक्टिव लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनको ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उस तरह से लीवर ट्रांसप्लांट होता है। पहले केवल कैडेवर से लीवर लिया जाता था, जो दुर्भाग्य से जो ब्रेन डेड होते हैं उसमें, अब कैडेवर से भी होता है और अब परिजन भी लीवर का, अब टेक्निक ऐसा हो गया है कि लीवर का छोटा सा अंश अगर उसका ब्लड वेसल सेपरेट है तो उसको लेके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जो डोनर है उसको कोई क्षति नहीं होता है, जो ग्रसित है लीवर फेलियर से उसका जान बच जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट का अल्टीमेट रिजल्ट किडनी ट्रांसप्लांट से भी ज़्यादा अच्छा है। हमारे देश में कुछ लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो अपने ओहदे पर गए, काम किए। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद, जो इंडियन ओरिजिन के थे,
वो आके फिर से 6 महीने के बाद अपना प्राइम मिनिस्टर का जॉब की। तो ये इसका एक होप है कि लीवर फेलियर के माने मौत नहीं है, उसको ट्रांसप्लांट करके बचाया जा सकता है। तो हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें, लक्षण जाने कैसे होता है उससे बचें, और अगर हो जाता है सिरोसिस तो हम लोग ट्रांसप्लांट से जान बचा सकते हैं। हम बिहार में कंपेन करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म अंग दान है, सबसे बड़ा धर्म अंग दान है। जिसके व्यक्ति का लीवर फेलियर, किडनी फेलियर हो गया, लेकिन किसी परिवार में किसी दुर्भाग्य से ब्रेन डेड हो गया, लेकिन उसका हार्ट, लंग, लीवर सब ठीक काम है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, यूरिन ठीक से चल रहा है, उसके अंग को एक व्यक्ति 5 लोगों का जान बचा सकता है। ये डेवलप कंट्री में हो रहा है, वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, हम लोग कह नहीं है। जिस जगह पर आप खड़े हैं मैं वहाँ की बात करता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। यहाँ जो आपके जस्ट आस पास के मकान में रहते थे, उनका लीवर फेलियर हुआ, वो इंग्लैंड गए, लंदन में रॉयल फ्री हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको 3-4 दिन तक चारकोल ट्रांसफ्यूजन दिया गया जिससे उनको जीवित रखा जाए। और जिसके किसी का दुर्भाग्य कि नौजवान 23-24 साल का लड़का समुद्र में तैरते हुए डूब गया, वहाँ पर जहाँ भी तैराकी अलाउड है वहाँ पर लाइफ गार्ड होता है बोट के, मोटर बोट के साथ, वो लाइफ गार्ड जाके उस नौजवान को उठा के ले आया, रास्ते में बोट पर उनको रेसिस्टेट किया और वो वापस आ गए, लेकिन ब्रेन डेड हो गया उसका अंग। यहाँ जो हमारे पटने के वासी थे उनको 89 की बात कर रहा हूँ, वो उनका लीवर ट्रांसप्लांट रॉयल फ्री हॉस्पिटल में हुआ, बहुत दिक्कत से मैनेज हुआ, बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत बैकअप की ज़रूरत है। वो जीवित आए और हर साल जाते थे, हम जब लंदन में थे 96 तक तब जाते रहे हैं, और वो 11.5 साल तक एक्टिव रहे, अपना पेशा करते रहे। अंत में वो कुछ अपना मेंटल प्रॉब्लम, कुछ डिप्रेशन के कारण दवा रेगुलर कर दिए और 2 साल के बाद धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। तो कहना ये कि होपलेसनेस नहीं है, आज टेक्नोलॉजी, आज साइंस इतना बड़ा है कि हम लोग बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, उसके लिए हमारे लीवर के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे लीवर के वेलोर से 3 साल का फेलोशिप करके आए हैं। हम लोग बीएल कपूर हॉस्पिटल से एक टाई अप किए, चूँकि काफ़ी डेवलप्ड है, किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं आज 10 साल से, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के टाई अप किए हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे टेक्नीशियन, हमारे ICU के टेक्नीशियन और डॉक्टर सब वहाँ एक एक महीने का ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, हम लोग बैच बना रहे हैं, पूरे टीम वहाँ से आएंगे, हमारी टीम मिलकर काम करेंगे जिससे कि बिहार में भी लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हुए। रूबन का 96 से यही एम रहा है कि क्या बिहार में नहीं है जिसको हम लोग करें। इसमें दोनों पहलू है, सामाजिक पहलू भी है, और अगर आप इंटरप्राइज का बात करें, इंटरप्रेन्योरियल, तो सबसे अच्छा इंटरप्रेन्योरियल की किसकी ज़्यादा आवश्यकता है उसमें आप इंडल्ज हो। तो हम लोग धीरे धीरे लिथोटिप्सी, लेजर ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, अब हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग जाने, हम लोग मीडिया के थ्रूएंगे और हम लोग शुरू करेंगे। कुछ लोगों को हम लोग जान बचाने में अगर सक्षम हुए तो मेरा पूरा प्रयास पिछले 25 साल का स्वर्थ होगा। धन्यवाद। हेपेटाइटिस को हराना है।